अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम हिमायत अली है और आप देख रहे हैं फुरकान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी का बटन है इसे दबा के आल पे क्लिक कर दें, जिससे हर नई आने वाली वीडियो आपके पास आ जाएगी। आज हम इस टंकी पंप में ऑयल लीकेज के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें ऑयल लीक होता है तो उसको कैसे ठीक करें। आप ये देख सकते हैं पूरा पंप ऑयल ऑयल हुआ हुआ है, पूरा ऑयल से भरा हुआ है। तो यहाँ पे एक सील लगता है जिससे क्रेन सील, चक्का सील को कोई क्या बोलता है, वो सील हम लगाने वाले हैं। इसे खोल के वो लगाएंगे और यहाँ से ये वाला सील है, नया सील लेकर आए हैं, ये लगाने वाले हैं। यहाँ पे यहाँ से ऑयल लीक होता है और ये शाफ्ट जो है यहाँ से ऑयल लीक होता है। यहाँ से ऑयल ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा डालने की वजह से ऑयल यहाँ से बाहर आ जाता है। यहाँ पे कोई सील वील नहीं होती, ये चीज़ ऊपर की तरफ होती है। अगर ज़्यादा ऑयल हो जाए तो यहाँ से गिरता है और यहाँ से नीचे से भी ऑयल लीक होता है। ये नट लूज़ होने हो जाने की सूरत में यहाँ से ऑयल नीचे आता है। ये ऑयल चेंज करते वक्त ये नट खोल के यहाँ से ऑयल निकाला जाता है। ये आप देख सकते हैं ये कितना ऑयल है इसके ऊपर, ये मेरे हाथ पे आप देख सकते हैं कितना ऑयल है। ये सारा यहाँ से व्हील की तरफ से आया है। तो हम इसकी थोड़ी साफ़ सफाई कर देते हैं कि साफ़ सफाई करके इसमें मुझे लगता है ऑयल ज़्यादा है, इस वजह से इतना ऑयल निकल रहा है। इसकी ये सील भी ख़राब है, इसे भी हम चेंज कर देंगे। इसकी थोड़ी साफ़ सफाई करके कितना ऑयल इसके ऊपर मिट्टी जमी हुई है, ऑयल बाहर आया था जिससे मिट्टी भी इसके ऊपर जम गई है। अच्छी तरह से इसको नया थोड़ा साफ़ सुथरा कर देंगे, इसका बेल्ट उतार देते हैं। बेल्ट भी इसका काफ़ी टाइट है, बेल्ट इतना टाइट नहीं होना चाहिए, इससे ये क्रेन सेट को नुकसान होता है ज़्यादा बेल्ट टाइट होने के। मोटर भी ख़राब हो सकती है, ज़्यादा लोड होगा, बेल्ट टाइट होने से ज़्यादा लोड होता है, जिस वजह से इसको साफ़ करके अब हम इससे इसको बेल्ट को थोड़ा लूज़ कर देंगे, इसको थोड़ा नीचे कर देंगे, इससे बेल्ट लूज़ हो जाएगी। पर उठा के इसको पूरा ही खोल देते हैं, जब बेल्ट लगाएंगे तब इसको एडजस्ट कर देंगे। अभी इस व्हील को खोलते हैं, चाबी से इस व्हील को खोलेंगे, व्हील को पकड़ के आराम से ये इसको घुमाएंगे, ये खुल जाएगा। ये हाथ से नहीं खुल रहा, इसको चाबी से ही खोलना पड़ेगा। इस तरह आराम से खोल दें। इसमें एक वाइशर होती है और एक रबड़ की सील होती है, उसे भी हम निकालेंगे। ये वाइशर इसके अंदर चिपकी हुई है, रबड़ की सील की वजह से ज़्यादा टाइट हुआ हुआ था, इसीलिए इसको टाइट ही रखना चाहिए। इसको थोड़ा चोट मार के स्क्रू ड्राइवर से इसको बाहर निकाल देंगे। ये रबड़ की सील लगी हुई है, अब इसको पीछे से चोट मारेंगे, ये व्हील बाहर आ जाएगा। चारों तरफ व्हील को घुमा के आराम से इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये बाहर आ गया, इसमें आप देख सकते हैं ये इस जगह पे ये वाला सील लगा हुआ है। इसकी स्क्रू ड्राइवर से इस तरह आराम से चारों साइड से दबा के इस तरह निकाल लेंगे इसको।
थोड़ा थोड़ा इस साइड से, थोड़ा उस साइड से, इतना करके निकालेंगे, ये आराम से बाहर आ जाएगा। ये सील तो अब निकल चुका है, अब इसमें नया वाला सील लगाएंगे। ये इसमें जो खांचा बना हुआ है, स्प्रिंग लगी हुई होती है तार, वो साइड को हम अंदर की तरफ लगाएंगे। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। इसमें भी आयल लगा हुआ है, आयल इसमें ज़्यादा है, मेरे ख्याल से इसमें आयल ज़्यादा है। इसे भी हम चेक करेंगे अभी इसे फिट करने के बाद। इसे अंदर की तरफ लगा के इसे फिट कर दें। अब व्हील को फिट करने का तरीक़ेकार मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अच्छी तरीके से आ गया। अब व्हील को उठाएंगे। व्हील में एक चाबी होती है, ये आप देख सकते हैं ये वाली चाबी, और क्रेन राड में एक खांचा होता है, ये चाबी उस खांचे के अंदर बिठानी होती है, जिससे ये व्हील स्लिप नहीं मारता। ये आप देख सकते हैं ये खांचा है, इसमें वो चाबी बिठानी है। अच्छी तरह से इसको देख के, जिस तरफ खांचा हो उस तरफ व्हील की चाबी का रुख करके इसे बिठा दें। ये इसका जो है शाफ्ट ये अंदर की तरफ घुस रही है, तो इसको हम नट में 4-5 चूड़ियाँ चढ़ा के इसको बाहर की तरफ खींचेंगे। प्लास की मदद से इसको बाहर की तरफ खींचेंगे। अब ये देखें, ये देखें बाहर आ गया। अब इसको चाबी को अच्छे से बिठा के को व्हील को हथौड़ी से चोट मारेंगे, हल्की हल्की चारों तरफ से हल्की हल्की चोट मारेंगे, जिससे ये बैठ जाएगा। अब इसको घुमा के देखें, ये सही से बैठ गया है कि नहीं। अब इसमें ये पहले वाइशर लोहे वाला, फिर प्लास्टिक वाला वाइशर लगाएंगे, इसमें रबड़ वाला जो वाइशर होता है ये लगा के ये घुमा के देखें, ये सही फिक्स हो गया है। तो अभी इसको इसके ऊपर ये बोल्ट टाइट कर देंगे। इसी को उसी तरह से व्हील को पकड़ के तो टाइट कर देंगे। अच्छे से इसको टाइट कर दें, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए ना लूज़ होना चाहिए, दरमियाना इसको टाइट कर दें। व्हील घूम रहा है, व्हील को थोड़ा सा पकड़ के इसको टाइट कर दें। अब हम इसमें बेल्ट को चढ़ाएंगे। अभी आप देख सकते हैं बेल्ट काफ़ी लूज़ है। इसको थोड़ा मामूली सा इसको मोटर को उठा देंगे हम लोग। अब देख सकते हैं बेल्ट काफ़ी लूज़ है, मामूली सा मोटर को उठा देंगे हम लोग, ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सही है, यहाँ पे इतना बेल्ट लूज़ होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं इतना लूज़ होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। अभी हम इसको ऑयल चेक करेंगे, ऑयल का लेवल के ऑयल कहाँ तक है इसमें। कम ज़्यादा में ज़्यादा 1 इंच तक ऑयल होना चाहिए,
जिससे हम स्क्रू ड्राइवर के अंदर यहाँ से डालेंगे, डाल के ये बाहर निकालेंगे, इसमें हमें पता चल जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा है ऑयल, ऑयल यहाँ तक होना चाहिए, इसमें देखें कितना ज़्यादा है। इसकी वजह से आगे से भी शाफ्ट से भी ऑयल गिर रहा है, तो हम इसका ऑयल भी कम कर देंगे। नीचे वाला बोल्ट खोल के इसे भी हम, यानी ये वाला बोल्ट है, इसे खोलेंगे, इसे खोल के इसको 15 की चाबी से आराम से ये खुल जाता है। ये सही से टाइट हुआ हुआ है, यहाँ से ऑयल लीक नहीं हो रहा है, ये वहीं आगे से और ये व्हील की तरफ से वहाँ से ऑयल लीक हो रहा था। आगे से इसलिए लीक हो रहा था कि ऑयल ज़्यादा था, तो अभी हम इसका ऑयल कम कर देते हैं। ये वाला बोल्ट खोल के इसे हम खोल के से टाइट होना चाहिए, इससे ये यहाँ से ऑयल लीक नहीं होगा। इसकी अगर चूड़ी लूज होती है तो ये आराम से खुल जाता है, जिससे इसमें से ऑयल भी लीक होता है। अभी हम इसको थोड़ा सा हाथ से खोल लेंगे, देख सकते हैं ये अभी खुल चुका है। अभी हम इसमें से ऑयल भी निकाल लेते हैं, ये आप देख सकते हैं इतना ऑयल इसमें से निकल चुका है। अभी हम इसमें दोबारा लगा दिया, अभी ये देख सकते हैं ऑयल इसका सही है, इतना ऑयल होना चाहिए 1 इंच तक। इससे अगर ज़्यादा ऑयल होता है, इससे ये ऑयल लीक होता है, आगे से शाफ्ट की तरफ से बाहर आ गिरने लगता है ऑयल, जिससे जहाँ पे मोटर रखी हुई होती है वहाँ पे बहुत गंदगी होती है और मोटर भी बहुत गंदा हो जाता है। इसे अच्छे से टाइट कर दें, ये तो हो गया। मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।